नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह, राम ब्रेन बूस्टर स्कूल। आज मैं 3 सूचना लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुनिए। पहला, जो भी बच्चे किसी बोर्ड में 9 और 11 में किसी भी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, वह NIUS में डायरेक्ट 10वीं या 12वीं में रजिस्ट्रेशन कराकर अपना साल बचा सकते हैं। जिसका डेट 15 तारीख को था, वह बोर्ड ने एक्सटेंड करके 31 तारीख तक कर दिया है, इसलिए इस 15 दिन का फ़ायदा उठाएं और डायरेक्ट 10 में और 12 में रजिस्ट्रेशन कराएं। दूसरी सूचना है कि CBSE बोर्ड का रिजल्ट 15 तारीख को आने वाला था, जो किसी कारणवश नहीं आ पाया। वह रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा, जल्द ही क्या कहें, 20 तारीख तक आने की पूर्ण संभावना है। तो जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका रिजल्ट अच्छा हो, इसकी शुभकामना देते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि किसी कारणवश किसी का पेपर खराब हो गया हो या पेपर छूट गया हो, वो भी चिंता ना करें। NIUS के माध्यम से वह भी अपना साल बचा सकते हैं, सितंबर तक रिजल्ट भी उन्हें मिल जाएगा, यानी 3 महीने के अंदर, मान के चलिए 3 महीने के अंदर ही उन्हें रिजल्ट मिल जाएगा और वो ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में कहीं भी एडमिशन करवा कर साल बचा सकते हैं। यदि आप आज भी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो रिजल्ट के बाद ट्रायंगुलर क्लासेज में संपर्क करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट अच्छा रहा तो उसके लिए हमारी शुभकामनाएं, और किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज या कैरियर के लिए आप कंफ्यूज हैं कि आगे की पढ़ाई में हम क्या करें, तो आप कैरियर काउंसलिंग करवा कर अपने कैरियर का निर्धारण करवा सकते हैं। उसके लिए आप ट्रायंगुलर क्लासेज में संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ ब्रेन ट्रेनिंग के माध्यम से ब्रेन को ट्रेंड किया जाता है, जिससे कि आप अपने इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं, याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट सूचना यह है कि हम 2 भाई और 2 बहन हैं, दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, लड़के लड़कियां हो चुके हैं, और दोनों भाई की भी शादी हो चुकी है, लड़के लड़कियां हो चुके हैं, और मैं अरविंद सिंह वाराणसी में रहता हूं, अमित कुमार सिंह जो हमारे छोटे भाई हैं बॉम्बे में रहते हैं। खुशखबरी की सूचना यह है कि उन्होंने एक फ्लैट लिया है, उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और इन्हीं बातों के साथ, इसी सूचना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जितने हमारे श्रोतागण हैं, ध्यानपूर्वक सुने, उसके लिए उन्हें धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
जो भी समस्या हो, एजुकेशन रिलेटेड किसी भी तरह की किसी की भी समस्या हो, वह इस चैनल पर कमेंट करके समाधान पा सकते हैं।